गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक के फिजिक्स सेक्शन के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग दो चैप्टर इसका पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका मोशन, दूसरा चैप्टर था लाइट, और तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सेल में कुछ केमिकल भरे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और जब इसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो इनके दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आ जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड पर जब पोटेंशियल आ जाता है तो उस पोटेंशियल का जो गैप होता है वही हमें प्रोवाइड करता है सर्किट में करंट चलाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाई गई है। इस इलेक्ट्रिक सेल में एक मेटल की कैप लगी होती है, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगी होती है और अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं। जब इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता है। इस तरीके से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इस पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब चूंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों में डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखिए, सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना और उसको मेंटेन रखना। जब भी हम सेल को किसी सर्किट में यूज करते हैं तो सेल का काम ये होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में सेल को हमने लगा रखा है सर्किट में, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को लगातार बनाए रखना। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती है और इन दो टर्मिनल्स पे लगातार चार्ज डिपॉजिट होता रहता है और ये पोटेंशियल को मेंटेन रखती है हर एक टर्मिनल पे, या कह लीजिए कि दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेंटेन करके रखती है। तो सिंपली सेल के बारे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर डेवलप कर लेना है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक सेल लिया और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लगाई और इसको लाकर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब में जोड़ दिया। यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक वायर ले लिया, यहाँ पर हमने बीच में एक की लगा दी जिसको हम स्विच भी कहते हैं, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को ऑन और ऑफ करते हैं, और इसका दूसरा टर्मिनल फिर हमने यहाँ पर बल्ब में लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके, एक बल्ब का यूज करके और एक की का यूज करके एक सिंपल हमने सर्किट बना दी। देखिए, ध्यान से देखिए सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं। इस सर्किट में हमने एक सेल लगाई है, एक बल्ब लगाया है और एक की लगाई है। की इस पर्पज से लगाई है ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई है उसको ऑन और ऑफ कर सकें। की के अलावा जो दो कंपोनेंट है, जरा उन पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में दो चीज़ें होती हैं। एक जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जब चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो सर्किट में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो एनर्जी दे कौन रहा है? एनर्जी अपने आप से तो आएगी नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा जो उस सर्किट को एनर्जी दे रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल ही वो सोर्स है जो सर्किट को एनर्जी देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट, यानी कि सक्रिय कंपोनेंट। सक्रिय कौन है, एक्टिव कौन है? जो सर्किट में करंट चलने के लिए एनर्जी दे रहा है या करंट चलाने के लिए जो जिम्मेदार है। लेकिन सर्किट के और जो दूसरे कंपोनेंट होंगे
वो दूसरे कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे, सेल जो एनर्जी दे रहा होगा उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होंगे, वो एनर्जी को खर्च कर रहे होंगे। तो देखिए पूरे सर्किट में दो तरह के कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा आपको मिलेगा पैसिव कंपोनेंट। जो पैसिव कंपोनेंट होगा जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें कि रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो बल्ब है जो कि पैसिव कंपोनेंट है, ये पैसिव कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में दो चीज़ें हैं, एक जो सर्किट को एनर्जी दे रहा है और एक वो जो सर्किट में एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट ये दोनों मिलकर ही ये पूरी सर्किट को मेंटेन करते हैं। देखिए सर्किट में करंट चलने के लिए सर्किट को कहीं से भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो उसमें चार्ज का फ्लो कॉन्टिन्यूसली नहीं हो पाएगा, और जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगी। तो देखिए अब समझ लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जहाँ भी चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। आप कह सकते हैं सिंपली कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आप इसमें बैटरी जोड़ देते हैं इस सर्किट में, तो यहाँ से चार्ज जो है वो फ्लो होने लगता है और यहाँ पर हमने दिखाई है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसके कुछ साइन कन्वेंशन हैं, उन साइन कन्वेंशन को आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, याद रखना होगा मतलब उसको समझ करके याद रखना होगा। देखिए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन दी जाती है, यानी कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही डायरेक्शन करंट के चलने की भी डायरेक्शन होगी, और जिधर नेगेटिव चार्ज चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट के चलने की डायरेक्शन लेंगे। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, जिधर पॉजिटिव चले उधर करंट चलेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर्किट में निगेटिव चार्ज चल रहा है तो निगेटिव चार्ज चलने के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट के चलने की डायरेक्शन लेंगे। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे सर्किट जो बन रही है, सेल के बाहर की तरफ अगर हम बात करें, जो मेटैलिक वायर है, मेटैलिक वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपने देखा कि करंट के चलने की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। आपने जब सर्किट में कोई सोर्स लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो सर्किट में करंट किस तरफ चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सोर्स के अंदर नहीं, सोर्स से बाहर, यानी कि इस वाले पार्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट चलती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि करंट जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज फ्लो होगा। चूँकि बाहर मेटेलिक वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, यानी कि इस सर्किट में बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी। अब देखिए सेल के संबंध में एक विशेष बात यह है कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के कारण ये जो दो आपको टर्मिनल मिल रहे हैं इन टर्मिनल पे चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के बाद केमिकल रिएक्शन का होना रुक जाता है, और ये मैक्सिमम जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट कर सकती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट से ज़्यादा कोई भी सेल नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी सेल होगी तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 वोल्ट की ही हो सकती है, 2 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली सेल आपको नहीं मिलेगी। अब आप कहते हैं कि नहीं हमने 6 वोल्ट सुना है, 12 वोल्ट सुना है, जो आपने 6 वोल्ट या 12 वोल्ट सुना है वो सेल नहीं बल्कि बैटरी होती है। अगर आप किसी 6 वोल्ट की बैटरी की बात करते हैं, सपोज़ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है,
तो अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट की बैटरी में 3 सेल होती है जो कि सीरीज में लगी होती है। तो ये सेल 2 वोल्ट आपको देगी, फिर ये सेल 2 वोल्ट आपको देगी, ये सेल 2 वोल्ट आपको देगी सीरीज में श्रेणी क्रम में। तो इस तरीके से टोटल 6 वोल्ट बन जाता है। इसी तरीके से जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है इसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो है 6 सेल लगी होती है अंदर, और ये हर एक सेल यहाँ पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस देगी, और इस तरीके से यहाँ पर 12 वोल्ट जो है बन जाएगा। तो देखिए, एक सेल मैक्सिमम 2 वोल्ट ही जनरेट कर सकती है। अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा हमें चाहिए तो कई सेलों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा सीरीज में, ठीक है, सीरीज में उनको कंबाइन करना पड़ेगा। सीरीज क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए। सीरीज ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सेल है इसमें 2 वायर हैं, ये दूसरी सेल है इसमें 2 वायर हैं, ये तीसरी सेल है इसमें भी 2 वायर हैं, तो इस वायर को अगले सेल में ट्रांसफ़र करिए और अगले सेल से जो वायर निकल रही है इसको अगले सेल में जोड़िए। इस तरीके से फाइनली जो 2 टर्मिनल आपको मिलेंगे ये जो है पूरा कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा ये एक बैटरी कहलाएगा, और ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट मिलकर के ये पूरा 6 वोल्ट की बैटरी जो है बना देंगे। तो आपने सीखा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है? इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, जब ये केमिकल्स रिएक्शन करते हैं तो जो भी इसके टर्मिनल होते हैं या इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पर चार्ज जमा होता है, जिसके कारण उस पर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके हम लोग सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में मेंटेन होगा, सर्किट कंप्लीट होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। फ्लो की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, या आप इसको बेटर होगा आप कहें कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जो है वो फ्लो करती है। और अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका डायरेक्शन बताना चाहते हैं करंट की, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज सर्किट में नहीं चल रहा है, नेगेटिव चार्ज चल रहा है, तो जिधर नेगेटिव चार्ज चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे। सर्किट में देखिए क्या होता है, आप कुछ एक्टिव कंपोनेंट ले लीजिए, कुछ पैसिव कंपोनेंट ले लीजिए, और उनको इफिशियंटली आप आपस में कनेक्ट करिए, सीरीज में पैरेलल में इस तरीके से आप उनको आपस में कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने पर ये जो पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। लेकिन देखिए ये एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको आपस में कनेक्ट करने के कुछ प्रॉपर तरीके होंगे जिनकी बात हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। तो अगर हम प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि आपने जो है एक एक्टिव कंपोनेंट ले लिया, सेल ले लिया या बैटरी ले लिया, बाकी आपने 2-3 बल्ब ले लिए, स्विच ले लिया, फैन ले लिया, हाँ, और सबको आपस में जैसे मन किया वैसे कनेक्ट कर दिया तो कह दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। नहीं, उनको एक प्रॉपर वे में आपको कनेक्ट करना है सच दैट कि सर्किट पूरी कंप्लीट हो सके। जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए पाथ चाहिए वो पाथ पूरा कंप्लीट हो सके, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट उस पाथ में फ्लो हो सके। ये सर्किट वगैरह कैसे बनती है इसके बारे में हम आगे अलग से डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको चूंकि सर्किट के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेना है तो कम से कम एटलीस्ट इतना आपको समझना होगा कि एक एक्टिव कंपोनेंट है जो इस सर्किट के लिए, इस सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। और एक ऐसा भी कंपोनेंट होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपने 2 बल्ब लगा दिए, एक बल्ब और एक जो है कोई मोटर लगा दी, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पैसिव कंपोनेंट भी जो है रहेंगे। तो ये एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट मिलकर के कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। देखिए, कंडक्टर जिसको हिंदी में हम लोग सुचालक भी कहते हैं, और इंसुलेटर जिसको हिंदी में हम लोग कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर।
यानी कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंडक्टर तब कहलाएगा जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट चल सकती है या कह लीजिए कि फ्लो हो सकती है। तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है या चल सकती है या पास हो सकती है तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर कोई भी पदार्थ कब होगा, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रिक कंडक्टर तब होगा जब उसमें पॉजिटिव आयन हो या फिर निगेटिव आयन हो या फिर हो सकता है पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आयन उसके अंदर हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो निगेटिव आयन हो, आयन के साथ साथ उन आयन्स का फ्री होना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आयन होने से इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल सकती, इलेक्ट्रिक करंट चलने के लिए आयन्स का फ्री होना जरूरी है। जब वो आयन उस पदार्थ में चलने के लिए फ्री होंगे, वो चलेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें चलेगी। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर आप इस शब्द को समझें इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक शब्द का मतलब हो गया चार्ज और करंट का मतलब होता है फ्लो यानी कि चलना। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी पदार्थ में चल रही है मतलब चार्ज फ्लो करेगा उसमें, और चार्ज फ्लो करेगा मतलब कि चार्ज चलने के लिए फ्री होगा तभी तो बैटरी लगाने पर वो फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जिसमें चार्ज, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज, उसमें फ्लो होना चाहिए। तो कोई भी पदार्थ कंडक्टर कहला सकता है, पहली शर्त क्या होगी, उसके अंदर चार्ज होने चाहिए, उसके अंदर आयन्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि वो चार्ज या वो आयन चलने के लिए फ्री होना चाहिए। तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो उस मटेरियल में चार्ज या आयन होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, दूसरी बात वो चार्ज चलने के लिए फ्री होना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड लें, नमक सोडियम क्लोराइड लें, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन पॉजिटिव होता है क्लोराइड आयन निगेटिव होता है, तो उसमें पॉजिटिव आयन भी है निगेटिव आयन भी है, लेकिन ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, चलने के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो अगर हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन उसी सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग पानी में घोल लेते हैं या अगर हम उसे मेल्ट कर दें तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो इनको आपस में बांधे रखता है, वो फोर्स टूट जाता है, वो फोर्स ख़त्म हो जाता है और अब ये आयन चलने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दें या उसको पानी में घोल दें तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, ये आयन चलने के लिए फ्री हो जाते हैं और अब ये इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंडक्टर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर से मतलब ये है कि वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं अपने अंदर या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे भी आप देख लें, आप लिख सकते हैं कि द मटेरियल थ्रो विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, या लिख सकते हैं पास, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाता है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल की खासियत ये होती है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब हम दूसरी तरफ समझते हैं कि कुचालक क्या होते हैं। अब देखिए, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जैसे आपने देखा कि कंडक्टर वो पदार्थ हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या फ्री आयन्स पाए जाते हैं, इसका मतलब कि सुचालक ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें आयन्स नहीं होंगे, या फिर आयन तो हों लेकिन वो आयन चलने के लिए फ्री नहीं होंगे, तो वो पदार्थ क्या कहला देंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक है, तो
आप इसको कैसे डिफाइन करोगे इंसुलेटर को, कि द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर में जैसे आपने स्विच को देखा होगा, तो स्विच के अंदर तो मेटल लगा होता है जो सर्किट को कंप्लीट करती है और उसके थ्रू करंट चलता है, बट स्विच के ऊपर जो भी मटेरियल लगा होता है जहां से हम जो है स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, वो मटेरियल जो होता है वो इंसुलेटर होता है। आप वायर को देखें तो वायर के अंदर जो मेटल की पतली पतली स्ट्रिप्स लगी होती हैं या पतली पतली सिलेंड्रिकल वायर्स लगी होती हैं वो तो कंडक्टर है, लेकिन वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग है वो क्या है, इंसुलेटर है, ताकि उस प्लास्टिक कोटिंग के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ना हो सके और तार जो है सेफ रहे। यानी कि जब भी आप तार को छुए जो है ऊपर से, तो जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है ना महसूस हो, तो इसके लिए वो प्लास्टिक की कोटिंग जो है लगाई जाती है। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, उसके बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, और उसके बाद आपने देखा कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ये जितने भी टॉपिक थे इन टॉपिक का बेसिक आपको बताया गया, और इन बेसिक को ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग 7th की 8th की 9th की 10th की 11th की 12th की इन सब फिजिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बारीक बातें, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं। जब हम 6th 7th 8th लेवल पे या बेसिक लेवल पे हम लोग सही से नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर 9th 10th में पहुँचते हैं, 11th 12th में, तो वहाँ पे फिर हमको दिक्कत होने लगती है। क्यों दिक्कत होती है? दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि बेसिक लेवल पे आपने उसको ढंग से नहीं समझा होता है। तो आप यहीं पर इसको अच्छे से समझें, उसको अच्छे से करें, ताकि जो है सही से वो आपके समझ में आ जाए, ताकि आप आगे आने वाली क्लासेस में जो है आप ढंग से उसको समझ पाएँ। और थैंक यू स्टूडेंट।